सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अतुल कुमार सिंह और आज मैं आपके लिए लाया हूं कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज पार्ट टू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें हम लोग बात करेंगे सिटीजनशिप अर्थात नागरिकता की। यहां पर आर्टिकल 5 to 11 हम लोग देखेंगे। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड शेयर इट। नाउ वी आर कमिंग टू द पार्ट सेकेंड, सिटीजनशिप। देखिए, सिटीजनशिप अर्थात नागरिकता, पहले भाग में हमने देखा कि हमने भारत और उसके राज्य क्षेत्र यानी उसके अंदर जो संघ क्षेत्र वगैरह थे उनकी बात की है, और अब मैं बात करता हूँ कि उसमें नागरिक कौन से होंगे। तो यहाँ पर पहली बात मैं बात कर रहा हूँ सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जिस समय संविधान लागू हुआ उस समय नागरिकता का क्या स्थिति होगी उसकी बात हम लोगों ने आर्टिकल 5 में की है। और यहाँ पर हमने बोला है क्या, 5 कहता है एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एवरी पर्सन हु हैज़ हिज डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड ए हु वॉज बॉर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। देखिए, हर वो व्यक्ति जो यहाँ का निवासी है, वो जो भारत का निवासी है, वो भारत का नागरिक होगा। और इसके साथ ही साथ तीन व्यक्ति और जोड़े गए हैं, क्या, हु वॉज बॉर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया यानी जिसका जन्म भारत में हुआ। दूसरी बात कह रहे हैं कि आइदर ऑफ हुज पेरेंट्स, कोई भी एक माता या पिता जिनका जन्म भारत में हुआ हो। और तीसरी बात कह रहे हैं हु हैज़ बीन ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर नॉट लेस देन 5 ईयर्स अर्थात 5 साल से कम के लिए नहीं, अर्थात जो 5 साल से कम सॉरी 5 साल से ज़्यादा जिन्हें यहाँ रहते हुए हो गए हैं वो सारे लोग भारत के नागरिक होंगे। और ये साधारण नागरिकता विषयक कानून है, इसको जान लीजिएगा। ये हमारे यहाँ आर्टिकल 5 साधारण नागरिकता के संबंध में बात करता है। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे इसमें लिखा हुआ है जो 6 है, आर्टिकल 6, उसकी हम बात करने वाले हैं अभी। उसमें क्या दिया है, उसमें दिया है राइट्स ऑफ पर्सन्स हैविंग माइग्रेटेड इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान यानी जो पाकिस्तान से भारत आए हैं उनकी बात आर्टिकल 6 में की गई है। यहाँ देखिए लिखा है नॉट विद स्टैंडिंग, देखिए नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 5, अ पर्सन हु हैज़ माइग्रेटेड टू द टेरिटरी ऑफ इंडिया फ्रॉम द टेरिटरी नाउ इंक्लूडेड इन पाकिस्तान। अर्थात एक आदमी जो कहाँ से पाकिस्तान से, जो कि इस समय पाकिस्तान है, वहाँ से जो इंडिया आया है, शैल बी डीम्ड, ये हो जाएगा या माना जाएगा टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, इस संविधान के लागू होने पर भारत का नागरिक माना जाएगा। कब, यहाँ शर्तें दी हैं, इफ़ ही और आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स, वह अथवा उसका कोई माता या पिता, और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स में आते हैं पिता, पितामह, पितामही, मातामह, मातामही अर्थात दादा दादी नाना नानी, उनका जन्म अगर 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत जो परिभाषित भारत है उसमें रहता हो या उसका जन्म उसमें हुआ हो। कहने का अर्थ ये है कि 1935 से पुराने वाले भारत में अगर या तो उसका जन्म हुआ हो या उसके माता पिता में से किसी का जन्म हुआ हो, ठीक बात, या उसके दादा दादी और नाना नानी में से किसी का जन्म 1935 से पुराने भारत में हुआ हो। अब प्रश्न उठता है 1935 का पुराना भारत कौन सा है, तो 1935 का से पुराना भारत, इसमें भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान ये सब इंक्लूडेड है। ठीक है, अर्थात कोई व्यक्ति सपोज करो पाकिस्तान से आया, पाकिस्तान में ऐसी कंडीशंस नहीं है वहाँ पर वो रह पाए, तो कह रहे हैं कि वो अगर पाकिस्तान से आता है भारत तो उसको भारत की नागरिकता मिलेगी, तो ये एक साधारण बात इसमें दी गई। ऐसे ही कोई बांग्लादेश क्षेत्र वहाँ से अगर आता है तो उसको भी यहाँ की नागरिकता मिलेगी। फिर आगे बात करते हैं 6B, इसमें दिया है इन द केस वेयर सच पर्सन हैज सो माइग्रेटेड बिफोर द 19th डे ऑफ जुलाई 1948 ही हैज़ बीन ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है ना, सिंस द डेट ऑफ हिज माइग्रेशन, ठीक है ना, यानी उसने माइग्रेट कब किया है, अगर 19th डे यानी 19 जुलाई 1948 इस तिथि से पहले पहले अगर कोई भारत आ जाए तो वो सीधे सीधे नागरिक है। ठीक बात, उसके बाद दिया है इन द केस वेयर सच पर्सन हैज सो माइग्रेटेड ऑन और आफ्टर द 19th डेट ऑफ जुलाई यानी 19 जुलाई के बाद या उसके यानी उस डेट पर अथवा उसके बाद अगर कोई आया है तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा अपना।
वो भारत का वो भी नागरिक होगा लेकिन वो रजिस्टर्ड नागरिक होगा। कैसे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा? तो इसमें लिखा है बाय एन ऑफिसर अपॉइंटेड इन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया। यानी यहाँ पर वो एप्लीकेशन देगा और अपना अपने बारे में बताएगा कि भाई साहब हम जो है पाकिस्तान से यहाँ आ चुके हैं और हमें अब आप अपना नागरिक बनाइए। 1948 में 19 जुलाई 1948 से पहले अगर कोई आ जाता है तो इस किसी भी प्रकार के रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 19 जुलाई 1948 के बाद अगर कोई आता है तो उसको रजिस्ट्रेशन यहाँ करवाना पड़ेगा एप्लीकेशन देकर। और लिखा है ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय हिम देयर फॉर सो सच सॉरी टू सच ऑफिसर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इन द फॉर्म एंड मैनर प्रेस्क्राइब्ड बाय दैट गवर्नमेंट। ठीक है ना, यानी यहाँ पर लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से कि भाई उसको एक फॉर्म बाकायदा जो होगा उस फॉर्म पर सीधे सीधे एप्लीकेशन देना पड़ेगा और उन विधियों का प्रयोग करना पड़ेगा जिन विधियों से नागरिकता मिलेगी। ठीक है, फिर लिखा है प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन शैल बी रजिस्टर्ड अनलेस ही हैज़, अब एक और बात लिखी है क्या, कोई भी पर्सन को ऐसे ही रजिस्ट्रेशन नहीं मिल जाएगा अनलेस ही हैज़ बीन रेजिडेंट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स, कम से कम 6 महीने उसको हो गए हों जब वो आया है, तो यहाँ पर उसको 6 महीने आए हुए हो गए हों। यानी 19 जुलाई 1948 से पहले अगर कोई आ गया तो कोई ऐसा परेशानी नहीं है, लेकिन उसके बाद अगर कोई आता है तो उसको 6 महीने वेट करना पड़ेगा, उसके बाद उसको यहाँ की नागरिकता मिलेगी। क्लियर हो गया? चलिए, मैं समझता हूँ ये बहुत कुछ क्लियर है। अब आगे बात करते हैं, आगे है 7th आर्टिकल और इससे संबंधित बातें। वो उसमें क्या है? उसमें है कि भाई साहब जो पाकिस्तान चले गए, ठीक है ना, तो वो भारत के नागरिक नहीं होंगे। राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। तो अब ऐसे लोग जो पाकिस्तान चले गए वो भारत के नागरिक क्यों रहे? तो उनके बारे में आर्टिकल 7 कहता है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 5 एंड 6, अ पर्सन हु हैज़ आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ मार्च 1947 माइग्रेटेड फ्रॉम द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अर्थात ऐसे लोग, यानी आर्टिकल 5 और 6 में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे लोग जो मार्च 1947 से पहले भारत से कहाँ चले गए हैं, टू द टेरिटरी नाउ इंक्लूडेड इन पाकिस्तान, अब कहाँ चले गए वो, पाकिस्तान में, शैल नॉट बी डीम्ड टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, उनको भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। Shall not be deemed to be a citizen of India, provided that nothing in this article shall apply to a person, इसके अलावा उन लोगों पर यह बात लागू नहीं होगी, after having so migrated to the territory now included in Pakistan, has returned to the territory of India under a permit for resettlement or permanent return issued by or under the authority of any law or and every such person shall for this purpose of clause B, ठीक है ना, यानी ये बात उन लोगों पर लागू नहीं होगी जो लोग भारत आ चुके हैं वापस। यानी पाकिस्तान चले गए कोई बात नहीं, लेकिन अब पता चला भारत आ गए, तो अब भारत आ गए हैं तो वो लोग भारत के नागरिक माने जाएंगे, ये बात कही गई है। और फिर कहा गया है ऑफ आर्टिकल 6 बी डीम्ड टू हैव माइग्रेटेड टू द टेरिटरी ऑफ इंडिया आफ्टर 19th डे ऑफ जुलाई 1948। ठीक है भाई साहब, मार्च 1947 के बाद अगर कोई पाकिस्तान चला भी गया और पता चला 19 जुलाई 1948 से पहले पहले आ गया, तो भी वो भारत का नागरिक बना रहेगा, यानी भारत का नागरिक होगा। ठीक है, अगर आप मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान जाते हैं, ठीक है ना, और वहीं के रह जाते हैं, तो आप भारत के नागरिक नहीं होंगे, लेकिन अगर आप 19 जुलाई 1948 से पहले पहले भारत लौट आते हैं तो आप भारत के नागरिक होंगे। अच्छा, फिर बात करते हैं राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया। ये हम आर्टिकल 8 में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, कुछ ऐसे लोग जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन अर्थात पी आई ओ, इनको जान लीजिएगा, इनका मूल जो है भारत है, लेकिन कहीं और बस गए हैं, कहीं और रह रहे हैं, उनके बारे में बात होती है। तो हम लोग 8 की बात करते हैं, आर्टिकल 8। इसमें कहा गया है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 5 एनी पर्सन हु और आइदर ऑफ हुज पेरेंट्स और एनी ऑफ हुज ग्रैंड पेरेंट्स वॉज बॉर्न इन इंडिया एज डिफाइंड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935 से पहले के परिभाषित भारत में किसी की का जन्म हुआ, उसके माता पिता माता मही उनका जन्म हुआ हो, और कह रहे हैं कि एंड हु इज़ ऑर्डिनरली रिजाइडिंग इन एनी कंट्री आउटसाइड इंडिया, भारत के बाहर कहीं भी किसी भी देश में वर्तमान समय पर वो निवासी है, एज सो डिफाइंड शैल बी डीम्ड टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया।
ठीक है ना, तो उसको भी कह रहे हैं कि भारत का नागरिक माना जाएगा इफ़ ही हैज़ बीन रजिस्टर्ड एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर उसने अपना रजिस्ट्रेशन भारत के नागरिक के रूप में करवाया है बाय द डिप्लोमेटिक और कंसुलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन द कंट्री वेयर ही इज़ फॉर द टाइम बीइंग रिजाइडिंग ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय हिम देयर फॉर टू सच डिप्लोमेटिक और कंसुलर रिप्रेजेंटेटिव वेदर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, इस संविधान के लागू होने से पहले या बाद में किसी ने अपना बोले कि यहाँ पर कंसुलर रिप्रेजेंटेटिव के सामने अपनी एप्लीकेशन देकर अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लिया है तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा इन द फॉर्म एंड मैनर, उसी रूप में जो विधा या जो विधान बनाया गया है नागरिकता के लिए, प्रेस्क्राइब्ड बाई द गवर्नमेंट ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, तो इस तरीके से वो भी भारत का नागरिक होगा। पर्सन वॉलेंट्रली अक्वायरिंग, लेकिन वो लोग नहीं होंगे कौन, पर्सन वॉलेंट्रली अक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी अ सिटीजन, जो लोग, ये देखिए ये हम आर्टिकल 9 की बात करने जा रहे हैं, ऐसे लोग जो भारत की नागरिकता स्वेच्छा से छोड़ दें, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा मकबूल फिदा हुसैन की कहानी, तो वो लोग जो है मकबूल फिदा हुसैन ने अपने आप जो है स्वेच्छा से भारत की नागरिकता छोड़ दी थी और उसकी कतर की नागरिकता ले ली थी, तो उन वो जो है भारत के नागरिक नहीं होंगे। इसमें क्या कहा गया, नो पर्सन शैल बी सिटीजन ऑफ इंडिया, वो व्यक्ति, कोई भी वो ऐसा व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा बाई वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 5 और बी डीम्ड टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाई वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 6 और आर्टिकल 8 इफ़ ही हैज़ वॉलेंट्रली अक्वायर्ड द सिटीजन ऑफ एनी फॉरेन स्टेट, यानी किसी भी विदेशी देश की नागरिकता स्वेच्छा से लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। अब इसमें स्वेच्छा की बात कही गई है, इसका अभिप्राय यह है कि अगर ज़बरदस्ती कहीं पर आपको किसी देश की नागरिकता दे दी गई है तो आप भारत के नागरिक बने रहेंगे, ठीक है ना, लेकिन अगर आपने अपने मर्जी से भारत की नागरिकता खत्म करके और बोले कि ख़त्म करो या ना करो, लेकिन अगर आपने दूसरे देश की नागरिकता ले ली है तो आप भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे। फिर आगे बात करते हैं आर्टिकल 10 की, और आर्टिकल 10 में कहा गया है कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, ठीक है ना, इसमें है कि जो नागरिकता संबंधी आपके जो अधिकार हैं या नागरिकता आपकी है वो बने रहना, वो आपकी कंटिन्यू रहेगी, ये आपको अधिकार मिला हुआ है। कैसे, देखिए, एवरी पर्सन हु इज़ डीम्ड टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, कोई भी वह व्यक्ति जो या तो भारत का नागरिक है अथवा भारत का नागरिक जैसा है या भारत के नागरिक बने रहने का अधिकारी है ऑफ इंडिया अंडर एनी ऑफ द फॉरगोइंग प्रोविजंस, किसी भी प्रोविजन के तहत, ऑफ दिस पार्ट शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ दैट मे बी मेड बाय पार्लियामेंट कंटिन्यू टू बी सच सिटीजन, वो भारत का नागरिक बना रहेगा। उसको कैसे नहीं, कैसे बोले कि वो नागरिक नहीं रह सकता है, तो विधि के द्वारा उसको नहीं रखा जा सकता है, अगर कानून चाहे तो उसको नहीं, लेकिन बिना कोर्ट की सम्मति के किसी की भी नागरिकता छीनी नहीं जाएगी। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला है पार्लियामेंट टू रेगुलेट दी राइट्स ऑफ सिटीजनशिप बाई लॉ, पार्लियामेंट को स्वायत्तता दी गई है नागरिकता विषयों पर कानून बनाने की, तो उसके देखिए करेंगे, नथिंग इन द फॉरगोइंग प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट शैल डेरोगेट फ्रॉम द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक एनी प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप एंड ऑल द मैटर्स रिलेटिंग टू द सिटीजनशिप। देखिए पार्लियामेंट को पूरी स्वायत्तता है कि वो किसी भी मैटर पर, ठीक है ना, सिटी नागरिकता के किसी भी मैटर पर कानून बना सकता है और उन्हें रेगुलेट कर सकता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर इट, थैंक यू सो मच।